अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। इसी बीच मॉरिशस की सरकार ने एक अहम घोषणा की है। मॉरिशस में 22 जनवरी को हिंदू कर्मचारियों को 2 घंटे की स्पेशल छुट्टी देने की घोषणा की गई है ताकि लोग प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कार्यक्रम देख सकें। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 22 जनवरी को दोपहर में राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला को विराजमान करने का निर्णय लिया है। वैदिक अनुष्ठान प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य समारोह से 1 हफ्ता पहले 16 जनवरी से शुरू होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। वहीं अयोध्या में महापूजन और महाआरती को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। 15 जनवरी से ही अयोध्या में उत्सव मनाया जाने लगेगा। सनातन परंपरा के हिसाब से सभी तैयारियां की जा रही हैं। राम काज किने बिनु मोहि कहा विश्राम। बाईस जनवरी की पावन घड़ी के लिए अयोध्या शहर राम भक्ति में लीन है। मुख्य यजमान के तौर पर प्रधानमंत्री विशेष अनुष्ठान की शुरुआत कर चुके हैं। अयं देश श्रीमान पुष्पित प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में 15 जनवरी से विधि विधान प्रारंभ हो जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां भव्य हैं और इस आयोजन को जन जन तक पहुंचाने की तैयारी भी हो रही है। 22 जनवरी को ही अयोध्या के बड़ा महल की बगिया में एक विशेष यज्ञ का समापन होगा। यहाँ हनुमंत महायज्ञ की 1008 यज्ञ वेदियाँ बनाई गई हैं। स्वामी राम भद्राचार्य के निर्देश पर 14 जनवरी से ही महायज्ञ की शुरुआत हो जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भले ही अयोध्या में हो रही हो मगर इस आयोजन की तैयारी पूरा देश कर रहा है। पीएम मोदी ने नासिक के कालाराम मंदिर में खुद सफाई की और देशवासियों से 22 जनवरी तक सफाई अभियान चलाने की अपील भी की। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए भव्य तैयारियां हो रही हैं और देश भर में माहौल राममय होने लगा है। अयोध्या से विशाल पांडे और नीतीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।